बकरीद त्योहार के मद्देनजर तिवारीपुर थाने पर दंगा नियंत्रण अभ्यास थानाध्यक्ष द्वारा थाने के पुलिसकर्मियों से कराया गया। दंगा नियंत्रण रिहर्सल के दौरान पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई। अभ्यास के दौरान आंसू गैस और रबर बुलेट की भी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि 1 अगस्त को बकरीद और 3 अगस्त को सावन का अंतिम सोमवार तथा रक्षाबंधन पड़ने पर पुलिस की जिम्मेदारियां कानून व्यवस्था के मद्देनजर बढ़ गई है, जिसके मद्देनजर थाना अध्यक्ष तिवारीपुर सत्यप्रकाश सिंह ने बुधवार को थाना परिसर में पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण अभ्यास करवाया। इस अभ्यास में 10 उपनिरीक्षक समेत 45 पुलिसकर्मी शामिल हुए। थाना अध्यक्ष ने लाठी प्रहार और लाठी से बचने का तरीका और दांव पेच भी समझाया। इसके अलावा आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट चलाने का भी तरीका समझाया गया, जिससे विषम परिस्थिति में पुलिसकर्मी स्थिति से निपट सके। कैसे खिलाई का मतलब यह है कि आपके मन से झिझक निकल जाए। कई लोग झिझकते हैं लाठी चलाने में या बचाव करने में, तो आपको बचाव की भी झिझक मन से निकल जाए। एकदम अलर्ट रहिए कि अगला हमको कभी भी लाठी ही डंडा मार सकता है। जहाँ ड्यूटी पॉइंट पर रहिए, हर इक्विपमेंट रहे। आपके अंदर 5 लोग हैं तो ये आपकी लाइबिलिटी है। आप कमांडर नियुक्त किए गए हैं। ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में भी बताया गया कि उप निरीक्षक एक कमांडर होता है। बलवा ड्रिल की भी पार्टी बनती है तो उप निरीक्षक से नीचे मोमेंट आर्डर किसी को नहीं है। है किसी को? उप निरीक्षक ही सबसे छोटा पद है जो बलवा ड्रिल में मोमेंट आर्डर दे सकता है। तो मूवमेंट आर्डर देने का मतलब आपकी टिकट पॉइंट लगती है। आपके साथ 5 लोग आए तो आप सुनिश्चित करेंगे, समय से पहले आएंगे, अपने 5 लोगों को बुलाएंगे और कैंसिल